नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति में कालिदास का योगदान। छात्रों, महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे और इन्होंने 40 जो रचनाओं का निर्माण किया और जो इनकी जो प्रमाणिक रचनाएं छात्रों वो है 7 प्रमाणिक रचनाएं इनकी मानी जाती है। कहा जाता है कि 40 रचनाएं इन्होंने लिखी परंतु जो प्रमाणिक तथा उपलब्ध जो रचनाएं हैं वो कौन सी है, 7 रचनाएं हैं। छात्रों, महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में इतिहासकारों में विवाद है तथा इनके जो निवास स्थान के बारे में भी इतिहासकारों में इसमें जो विवाद है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जो हमें स्पष्ट रूप से कुछ जो पता नहीं चलता है, परंतु जो ऐतिहासिक साक्ष्य तथा कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं उनके माध्यम से जो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, महाकवि कालिदास का जो साहित्य है ये साहित्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। महाकवि कालिदास द्वारा जो 3 नाटक लिखे गए तथा इसके अंतर्गत 2 खंड काव्य लिखे गए और 2 उन्होंने महाकाव्य लिखे। तो छात्रों, कालिदास जी द्वारा जो 7 जो महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ है, 7 मुख्य ग्रंथ है जो प्रमाणिक तौर पे कालिदास जी की रचना माने जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। कालिदास जी का जो भारतीय संस्कृति में योगदान रहा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कालिदास जी है, कालिदास जी का जो प्रारंभिक जीवन है, जो कालिदास जी है, कालिदास जी के जो जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता नहीं है, ना ही इनके निवास स्थान के बारे में, ना ही जो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, माता पिता के बारे में, किसी के बारे में भी जो हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता नहीं है। छात्रों, विद्वान अलग अलग बताते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका ये बंगाल के निवासी थे, तो कुछ ही विद्वान कहते हैं कि ये कश्मीर के निवासी थे, लेकिन अधिकतर विद्वान इसमें सहमत है कि ये उज्जैन के निवासी थे। छात्रों, तथा चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे, गुप्त वंशीय शासक थे, उनके नवरत्न थे, उनके दरबार में जो नवरत्न रहते थे उन नवरत्नों में से सबसे प्रमुख जो कालिदास जी थे। छात्रों, कालिदास जी द्वारा जो संस्कृत भाषा के अंदर जो अपने ग्रंथों की रचना की गई तथा जो संस्कृत भाषा को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया, छंदों का, अलंकारों का, शब्द शक्तियों का, रसों का उन्होंने भरपूर अपने साहित्य के अंदर प्रयोग किया। उन्होंने जो अत्यंत ही जो उदासीन विषय वस्तु थी या निर्जीव विषय वस्तु थी उसको भी उन्होंने सजीवता प्रदान की। छात्रों, तो आज हम कालिदास जी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, प्रारंभिक जीवन कालिदास जी का जो प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक जीवन के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, प्रारंभिक जीवन के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन के निवासी थे। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कुछ विद्वान इनकी जन्मभूमि कश्मीर को बताते हैं।
कश्मीर को बताते हैं, बंगाल के साहित्यकारों ने बंगाल के साहित्यकारों ने इन्हें बंगाल के साहित्यकारों ने इन्हें बंगाल का निवासी बताया है बंगाल का निवासी बताया है वी ए स्मिथ, वी ए स्मिथ कालिदास को मध्य प्रदेश मालवा मतलब मध्य प्रदेश, प्राचीन समय में जो मध्य प्रदेश को मालवा के नाम से जाना जाता था, कालिदास को मालवा के मंदसौर का निवासी बताया गया है, निवासी बताया गया है। वी ए स्मिथ कालिदास को मालवा के मंदसौर का निवासी बताया है या बताता है। छात्रों, इस प्रकार से जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी के कहाँ के निवासी थे, इसके बारे में इतिहासकारों के अंदर, साहित्यकारों के अंदर ये जो विवाद है और ये विवाद का विषय है। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास को उज्जैन कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, उज्जैन का निवासी। भारतीय जनश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन के निवासी थे, अर्थात भारतीय जो भारतीय अनुश्रुतियाँ हैं, भारतीय कथाएं हैं, उनके अंदर जो ये पता चलता है कि कालिदास थे, कालिदास कहाँ के निवासी थे, ये उज्जैन के निवासी थे। तथा कुछ जो विद्वान हैं, कुछ विद्वान उनकी जन्मभूमि कश्मीर को भी बताते हैं, तो बंगाल के जो साहित्यकार हैं इनकी जो जन्मभूमि अर्थात इनका जो निवास था वो बंगाल को बताते हैं, निवास स्थान को। इस प्रकार से जो इसके कितने ये प्रमाण मिलते हैं, इसके चार प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे वी ए स्मिथ है कालिदास को मालवा के मंदसौर का निवासी बता रहा है, तो चार इसके प्रमाण मिल गए कि कहाँ के थे, उज्जैन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे कालिदास, उज्जैन के निवासी थे, तो कुछ बताते कश्मीर के निवासी थे, कुछ बताते बंगाल के, और वी ए स्मिथ कहाँ का बता रहा है, मालवा के मंदसौर के निवासी थे। तो इस प्रकार से जो इनकी जो निवास स्थान है, निवास स्थान के बारे में इतिहासकारों के अंदर भारी मतभेद है। छात्रों, इसी प्रकार इतिहास का इनके निवास स्थान के साथ साथ ही इनके जो समय अर्थात इनका जीवन का जो समय था, अर्थात ये किस शासक के समय के अंदर थे, तो उसके बारे में भी क्या है, इतिहासकारों के अंदर भारी मतभेद मिलता है। तो इनका जो समय है कालिदास जी का, उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या बताया गया इसके बारे में। महाकवि कालिदास का समय है, छात्रों, जो महाकवि कालिदास है उनके समय के बारे में बताया गया है, और इसमें भी क्या है कि इतिहासकारों में मतभेद। कालिदास जी का जो समय बताया गया है इसमें भी इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है। इसके जो कालिदास जी के समय, जो कालिदास जी का समय, इसके बारे में दो मत प्रसिद्ध है। कितने मत प्रसिद्ध है, दो मत प्रसिद्ध है। प्रथम मत क्या है वो देखते हैं छात्रों, कि कालिदास जी का समय इसके बारे में कालिदास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व अर्थात 57 ईस्वी पूर्व राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। राजा
उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। विक्रमादित्य के समकालीन थे। विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत चलाया गया। विक्रम संवत चलाया गया। और जो दूसरा मत है कालिदास जी के बारे में, दूसरा मत कि ये किसके समकालीन थे, तो दूसरे मत में चाहते हो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, के समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अधिकांश विद्वान ये दो मत हैं, ये दो कौन कौन से मत है, कालिदास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व मतलब 57 ईस्वी पूर्व, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे, विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत चलाया गया। छात्रों 57 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत चलाया, आज भी ये भारतीय जो भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध ये पंचांग सबसे प्रसिद्ध ये संवत है, तो विक्रम संवत का प्रचलन करने वाले कौन थे, उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य थे। तो उनके वीर विक्रमादित्य के समकालीन जो कालिदास जी को माना जाता है, कुछ विद्वान इन्हें वीर विक्रमादित्य के समकालीन मानते हैं, जबकि छात्रों ये कुछ विद्वान है, कुछ विद्वान इन्हें जो दूसरा मत है उसमें गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके समकालीन ये बताते हैं और ये कहते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे उन नवरत्नों में से कालिदास जी एक थे। तो बताते हैं छात्रों जो ये दूसरा मत है, अधिकांश जो विद्वान है चंद्रगुप्त, अधिकांश जो विद्वान इस मत का समर्थन करते हैं, किसका, दूसरे मत का। अधिकांश विद्वान कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसका जो समय है छात्रों, इसका समय बताया गया है, इसका 380 ईस्वी से 380 ईस्वी से 413 ईस्वी 380 ईस्वी से 413 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय बताया गया है। तो छात्रों चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, अधिकांश विद्वान है कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, गुप्त वंश के शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के अंदर नवरत्न रहते थे, और इसका जो शासन काल था 380 ईस्वी से 413 ईस्वी, तो इसके अंतर्गत जो नवरत्न रहते थे छात्रों उसमें कौन कौन थे, कालिदास
कालिदास इन नवरत्नों का प्रमुख हुआ करता था और कालिदास के अलावा धनवंतरी कालिदास धनवंतरी शपणक अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट कालिदास धनवंतरी शपणक अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट वरुचि वराहा मिहिर और घट कर पर। तो छात्रों, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, गुप्त वंश के राजा है, 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक इनका शासन काल है, इनका समय है। इस समय जो कालिदास धनवंतरी शपणक अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट वरुचि वराहमिहिर और घटकर पर, तो इस प्रकार से जो ये 9 विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, इन सभी 9 विद्वानों का जो प्रमुख थे, मुखिया थे, कौन थे? कालिदास जी थे। कालिदास जी संस्कृत भाषा के महान जो विद्वान थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो अधिकांश जो विद्वान है, अधिकांश विद्वान जो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के समकालीन जो कालिदास जी को मानते तथा उज्जैनपुर इनका निवास स्थान बताते हैं। छात्रों, 473 ईस्वी का गुप्त कालीन जो शिलालेख है, मंदसौर का शिलालेख, 473 ईस्वी का मंदसौर का शिलालेख, 413 ईस्वी का मंदसौर का जो शिलालेख है, कहाँ का मंदसौर का? मंदसौर कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो 473 ईस्वी का मंदसौर का शिलालेख, ये शिलालेख जो कालिदास की रचनाओं की स्पष्ट जानकारी देता है। छात्रों, जो कालिदास जी है, कालिदास जी की रचनाओं की स्पष्ट जानकारी कौन देता है? ये मंदसौर का जो शिलालेख है, ये क्या करता है? इनकी जानकारी कालिदास की रचनाओं की झलक मिलती है। इसमें मिलती, छात्रों, ये मिलती है जो 473 ईस्वी का मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर का शिलालेख है। मंदसौर के शिलालेख में कालिदास की रचनाओं की स्पष्ट जो झलक मिलती है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कालिदास जो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन समकालीन थे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो कालिदास जी का समय बताया गया है, कालिदास जी के समय के अंदर 2 मत है। प्रथम जो मत है वो कौन सा है कि 57 ईस्वी पूर्व अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य के समकालीन थे। और छात्रों, वीर विक्रमादित्य जो भरतरी बाबा जो नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख गुरु है, वो भरतरी बाबा के वीर विक्रमादित्य भाई थे। और ये उज्जैन भी जब राजा बने 57 ईस्वी पूर्व के अंदर, तो इन्होंने विक्रम संवत चलाया और विक्रम संवत इन्होंने चलाया और वो विक्रम संवत आज भी जो भारतवर्ष के अंदर प्रचलित है। तो छात्रों, जो उज्जैन के राजा 57 ईस्वी पूर्व जो थे वीर विक्रमादित्य, उनके समकालीन जो कालिदास जी को माना गया है। परंतु जो अधिकांश विद्वान जो कालिदास जी को गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन मानते हैं, किसके समकालीन मानते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन मानते हैं तथा इनका समय बताते हैं 380 ईस्वी पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व इनका समय बताते हैं। और जो दूसरा जो मत है गुप्त वंश के राजा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला, तो अधिकांश विद्वान कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जो ये 380 ईस्वी पूर्व से
380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक इन्होंने जो राज्य किया भारतवर्ष पर, और इनके राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा दूसरी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। दूसरी राजधानी कौन थी? उज्जैन थी। और इनके दरबार के अंदर जो नवरत्न रहते थे, नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास, धनवंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, वरुचि, वराहमिहिर और घटकर्पर। तो ये जो नवरत्न थे, इन नवरत्नों का प्रधान कौन था? कालिदास जी इनके प्रधान थे। संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे और इन्होंने, कालिदास जी ने 40 जो रचनाएं लिखी, परंतु जो प्रमाणिक जो रचनाएं वो कितनी है? 7 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिनमें 3 नाटक हैं तथा 4 जो काव्य हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो कालिदास जी थे, कालिदास जी के समय के बारे में जो बताया गया है, इनका समय, इसका इनका समय जो गुप्त वंश के शासक चक्रगुप्त जी का समय था। छात्रों, अब कालिदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। छात्रों, जिस प्रकार से कालिदास जी के समय के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है तथा उनके निवास स्थान के बारे में भी जो इतिहासकारों में मतभेद है, उसी प्रकार से कालिदास जी के जीवन की कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है और इतिहासकारों में इनके बारे में भी जो मतभेद है। छात्रों, हम देखते हैं कालिदास जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय किसका जीवन परिचय? कालिदास जी का जीवन परिचय हम देखते हैं। तो कालिदास जी, महाकवि कालिदास का काल निर्णय तथा महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास का काल निर्णय मतलब समय, काल निर्णय तथा निवास स्थान की भांति, निवास स्थान की भांति महाकवि कालिदास का काल निर्णय तथा निवास स्थान की भांति प्रारंभिक जीवन बाल्यकाल, शिक्षा के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। पत्नी, इनकी पत्नी के बारे में अनुश्रुतियों में बताया गया है। छात्रों, पत्नी, इनकी पत्नी का जो नाम था, किसकी? कालिदास जी की पत्नी का विद्योत्तमा। क्या था? विद्योत्तमा। कालिदास जी की पत्नी का नाम था क्या था? विद्योत्तमा जो कालिदास जी की पत्नी का नाम था। पत्नी कौन थी? विद्योत्तमा। छात्रों, जो कालिदास जी है, कालिदास जी के बारे में कहा जाता है कि कालिदास जी के बारे में जो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अब छात्रों, कालिदास जी हैं, कालिदास जी के बारे में कहा जाता है कि अत्यंत ही महामूर्ख थे। जिस पेड़ की डाली पर बैठे थे उसी डाली को ये काट रहे थे। तो इस प्रकार से अत्यंत ही मूर्ख थे। और कालिदास जी महाराज है, कालिदास जी महाराज जिस नगर के अंदर रहते थे वहाँ के राजा की जो पुत्री थी अत्यंत ही सुंदर थी, वो गुणवान थी तथा वो अत्यंत ही विद्वान थी। तो इस छात्रों, तथा जब उसके विवाह की उम्र हुई और राजा उसका विवाह करना चाहता है, तब वो पुत्री कहती है कि मुझे जो शास्त्रार्थ के अंदर पराजित कर देगा उससे मैं विवाह करूंगी, अर्थात मुझसे भी महान विद्वान जो होगा उसके साथ में भी मैं विवाह करूंगी। छात्रों, उसे देखने के लिए कई राजकुमार, कई जो विद्वान तथा जो बड़े बड़े जो आचार्य थे वो आए देखने के लिए तथा उसे देखा तथा उसके बाद में उससे शास्त्रार्थ किया। सभी राजकुमारों को, राजाओं को, विद्वान पुरुषों को उससे राजकुमारी कौन सी थी? विद्योत्तमा ने क्या किया? पराजित कर दिया। अब
पराजित कर दिया। अब जो एक बहुत बड़े विद्वान थे वो विद्वान आए तथा विद्योत्तमा से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। विद्योत्तमा ने उन्हें भी शास्त्रार्थ पराजित कर दिया तथा उनका अपमान किया। अब वो अपमानित होकर वहां से चले गए। अब इस वो अपमान का बदला लेना चाहते थे। तभी उन्होंने जंगल के अंदर देखा कि एक जो व्यक्ति है वो पेड़ पर बैठा हुआ है, पेड़ की डाली पर, जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को वो काट रहा है। छात्रों, जब उस विद्वान ने कहा कि इस डाली को तुम काट रहे हो, इस पे काट रहे हो तो इससे तुम गिर जाओगे नीचे, तो उसने कहा, वो उसने नहीं होगा कि मैं नहीं गिरूंगा और उस डाली को काटने लगा। तब विद्वान ने देखा कि ये तो महामूर्ख है और इसी महामूर्ख से इसी विद्योत्तमा का विवाह करवाना चाहिए तथा उसकी घमंडी प्रवृत्ति को, उसके घमंड को तोड़ना चाहिए। ये कह के छात्रों, वो विद्वान था, उस विद्वान ने जो उस व्यक्ति जो डाली काट रहा था, उस डाली काटने वाले व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हारा अच्छा भोजन दूंगा, तुम्हें अच्छे वस्त्र दूंगा तथा तुम्हें जो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ में करवा दूंगा। तो ऐसे सुनकर वो जो डाली काट रहा था, पेड़ की डाली, वो व्यक्ति उस विद्वान के पास में आता है और वो विद्वान उसे कहता है कि तुम मौन रहना, मौन व्रत धारण करना और तू कोई जवाब मत देना। ये तो उसको कह दिया और उसे लेकर वो कहाँ पहुंचता है, विद्योत्तमा के महलों में पहुंचता है। और विद्योत्तमा के महलों में जब पहुंचता है तो शास्त्रार्थ होता है, तो उसमें कहता है कि ये महान विद्वान है, इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, संकेतों के माध्यम से ही आप ये बताइए। तो छात्रों, संकेतों के माध्यम से बताता है और इसमें कई संकेतों के माध्यम से कई प्रश्न पूछे जाते हैं तथा वो भी संकेतों का उत्तर संकेतों से देता है तथा जो विद्वान होते हैं उसका अर्थ बताते हैं कि ये महात्मा है जो ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर छात्रों, जो विद्योत्तमा है, विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में, विद्योत्तमा शास्त्रार्थ में पराजित हो जाती है शास्त्र, और कालिदास से विद्योत्तमा का क्या होता है कि विवाह हो जाता है। कालिदास को महान विद्वान बताया जाता है और उस राजा की कन्या से अर्थात जो विद्योत्तमा थी उनसे विवाह करवा दिया जाता है। और जब कालिदास की मूर्खता का पता चलता है तब कालिदास को विद्योत्तमा भला बुरा कहती है और कालिदास की क्या करती है, कालिदास का अपमान करती है और कालिदास को घर से बाहर निकाल देती है। छात्रों, कहा जाता है कि अपमानित कालिदास के हृदय को ठेस पहुंचती है और वो सीधे ही काली माता के मंदिर में जाते हैं तथा काली माता के मंदिर में जाके और वो अपनी जीभ काली माता को चढ़ा देते हैं। काली माता प्रसन्न हो जाती है तथा जो वेद पुराणों शास्त्रों का जो ज्ञान प्रदान करती है, किसे प्रदान करती है, ये कालिदास जी को ये करती है। छात्रों, एक दूसरा मत ये है कि इसके अंतर्गत कि अपमानित जो कालिदास है, अपमानित कालिदास घर से निकल जाते हैं और वो कई वर्षों तक विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद में जब वो प्रखंड पंडित बन जाते हैं अर्थात वेद पुराणों के ज्ञाता बन जाते हैं, शास्त्रों को वो अपने अधीन कर लेते हैं, जब वो उन्हें वापस घर लौटते हैं तब उनकी पत्नी विद्योत्तमा उनका क्या करती है, स्वागत करती है। तो ये दो अनुश्रुतियाँ, इस प्रकार की दो जो अनुश्रुतियाँ जो विद्वान छात्रों, तो कालिदास जी थे, कालिदास जी क्या थे प्रारंभ के अंदर, ये मूर्ख थे। तो कालिदास जी के बारे में क्या है कि स्पष्ट है, इनके काल लेने तथा निवास स्थान की बात की जो इनका क्या है कि स्पष्ट है, जो उल्लेख नहीं मिलता है। छात्रों, जो महाकवि कालिदास है, कालिदास जी है, तो कालिदास जी क्या करते हैं छात्रों कि कालिदास जी विद्या अध्ययन करने के बाद में कालिदास जी जो कई ग्रंथों का निर्माण करते हैं। इनकी जो रचनाएं बताई गई है, रचनाएं कितनी बताई गई है, 40 इनकी जो रचनाएं बताई गई, किसकी रचनाएं बताई गई, 40 कालिदास जी की। तो छात्रों, तो प्रारंभिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक जीवन के अंदर प्रारंभ में ये एक महामूर्ख थे, अत्यंत ही जो ये जड़ बुद्धि के थे, महामूर्ख थे तथा जो इनका विवाह क्या है कि जो विद्वानों द्वारा इन्हें महान पंडित बताकर, महान विद्वान बताकर जो राजकुमारी विद्योत्तमा से इनका विवाह करवा दिया जाता है। जब विद्योत्तमा को पता चलता है कि ये तो बहुत महामूर्ख है, तो विद्योत्तमा क्या करती है कि उन्हें अपने घर से निकाल देती है। कालिदास के हृदय को ठेस पहुंचती है और कालिदास क्या करते हैं कि कई वर्षों तक वो जो शिक्षा अध्ययन करते हैं, शिक्षा अध्ययन करके वेद पुराणों शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्याकरणों की
उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण करके पुनः घर लौटते हैं, जब उनकी पत्नी उनका क्या करती है, स्वागत करती है। एक अन्य जो अनुश्रुति उसके अंतर्गत जो पत्नी जब उनका अपमान कर देती है, विद्युतमा जब उनका अपमान करती है, तो वो अपने घर से निकल जाते हैं, निकल के सीधे काली माता जी के मंदिर में पहुंचते हैं और काली माता जी के सामने क्या करते हैं, वो अपनी जीभ काट देते हैं। काली माता जी द्रवित हो जाती है, काली माता जी प्रसन्न हो जाती है और काली माता द्वारा जो कालिदास जी को क्या किया जाता है कि वेद पुराणों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। कालिदास जी की आराधना करने के कारण ही कालिदास इनका नाम क्या पड़ता है, कालिदास इनका नाम पड़ा। और छात्रों जब उनको जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद में जो कालिदास जी है, कालिदास जी जो कई ग्रंथों का निर्माण करते हैं छात्रों, तो उनके जो कालिदास जी है, कालिदास जी का जो बताया गया छात्रों ग्रंथ, कालिदास जी की ग्रंथों की संख्या बताई गई वो है 40। कितने ग्रंथ बताए गए, 40 कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ, रचित ग्रंथों की संख्या, ग्रंथों की संख्या। छात्रों जो कालिदास जी थे, कालिदास जी के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए उनकी जो रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई, उनकी रचना बताई गई ग्रंथों की संख्या बताई गई 40 है, 40 इनकी संख्या बताई गई थी छात्रों। परंतु प्रमाणिक ग्रंथ कितने थे, 7 प्रमाणिक ग्रंथ कितने बताए गए, 7 ग्रंथ हैं प्रमाणिक बताए गए। और जो ग्रंथ थे, ग्रंथों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा के अंदर कालिदास जी द्वारा 7 जो प्रमाणिक ग्रंथ है, इनके 7 जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो इन्होंने रचना की। तो 7 प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से छात्रों, उसके बारे में हम देखते हैं। इनका जो ग्रंथ है छात्रों ऋतु संहार, इनका जो ग्रंथ कौन सा छात्रों, ऋतु संहार नाम का इनका जो ग्रंथ है, ये ऋतु संहार ग्रंथ छात्रों कालिदास की प्रथम रचना, ऋतु संहार ग्रंथ को क्या कहते हैं, कालिदास की प्रथम रचना। तो कालिदास जी की प्रथम रचना कौन सी थी, ऋतु संहार नामक ग्रंथ था। तथा छात्रों जो इनका कालिदास जी का प्रथम खंड काव्य, छात्रों कालिदास जी का जो प्रथम खंड काव्य, कालिदास जी का ये क्या था, प्रथम खंड काव्य। तो छात्रों ये कालिदास जी की प्रथम रचना भी थी और कालिदास जी का प्रथम खंड काव्य भी था, कौन सा था, ऋतु संहार। इसके बाद में छात्रों जो कालिदास जी ने जो ग्रंथ लिखा उसके, कालिदास जी का जो अगला ग्रंथ है वो है छात्रों इनका कालिदास जी का मेघदूत, कौन सा ग्रंथ है छात्रों, इनका मेघदूत कौन सा ग्रंथ है छात्रों, मेघदूत। तो छात्रों ये भी अभी सभी इन ग्रंथों का वर्णन करेंगे हम, मेघदूत। तो ये दोनों जो ग्रंथ है छात्रों ये क्या है, ये खंड काव्य है, अर्थात कालिदास जी का जो खंड काव्य। कालिदास जी ने क्या क्या लिखा, खंड काव्य दो थे, कौन कौन से थे, एक तो ऋतुसहार, कौन सा था, ऋतुसहार इनका खंड काव्य था। दूसरा खंड काव्य कौन सा था, मेघदूत। तो मेघदूत इनका खंड काव्य। महाकाव्य कालिदास जी ने दो महाकाव्य लिखे, महाकाव्य कौन से थे, कुमार संभव और रघुवंश। तो रघुवंश, तो इन्होंने क्या छात्रों, दो महाकाव्य लिखे, कुमार संभव तथा रघुवंश। नाटक या रूपक ये कौन से लिखे छात्रों, ये जो थे इनके नाटक जो छात्र, नाटक कितने लिखे इन्होंने, नाटक लिखे इन्होंने तीन इनके नाटक थे, कौन कौन से थे छात्रों, ये थे मालविका अग्निमित्रम तथा दूसरा जो नाटक था छात्रों को कौन सा था, इनका विक्रमोवर्षीयम तथा जो तीसरा जो नाटक था, जो तीसरा नाटक इनका कौन सा था, वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। छात्रों इस प्रकार से जो कालिदास जी थे, कालिदास जी की रचनाएं की संख्या कितनी है, 40 इनकी रचनाओं की संख्या बताई गई है। परंतु जो प्रमाणिक जो इनकी रचनाएं हैं वो कितनी है, 7 इनकी जो प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिसके अंदर से 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य तथा 3 नाटक है। तो खंड काव्य कौन कौन से, ऋतु संहार तथा मेघदूत इनके खंड काव्य, तथा जो महाकाव्य कौन कौन से इनके, कुमार संभव तथा जो
रघुवंशम इनके महाकाव्य, नाटक कौन कौन से इनके, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम तथा मालविका अग्निमित्रम, तो ये इनके क्या है, ये नाटक थे। तो छात्रों ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना है तथा जो प्रथम खंड काव्य, प्रथम खंड काव्य कौन सा है, ये ऋतु संहार है। तो छात्रों तो इस प्रकार से जो ऋतु संहार इनकी प्रथम रचना है। अब इनकी महाकाव्य, महाकाव्य मतलब कौन सा, कुमार संभव प्रथम महाकाव्य इनका कालिदास द्वारा रचित है, कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य। तो कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है, कुमार संभव है। कौन सा है छात्रों, कुमार संभव है। तो क्या कालिदास द्वारा जो प्रथम जो रचित नाटक कौन सा है, मालविका अग्निमित्रम। तो ये क्या है छात्रों, ये मालविका अग्निमित्रम है, ये कालिदास जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है। कौन सा छात्रों, कालिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, मालविका अग्निमित्रम है। तो छात्रों ऋतु संहार, ऋतु संहार क्या है कि कालिदास का प्रथम रचना है तथा प्रथम ये खंड काव्य है कालिदास द्वारा रचित। कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य है तथा मालविका अग्निमित्रम ये क्या है, कालिदास द्वारा रचित प्रथम नाटक। तो कालिदास द्वारा रचित जो प्रथम नाटक कौन सा है, मालविका अग्निमित्रम। तो छात्रों इस प्रकार से जो कालिदास जी थे, कालिदास जी द्वारा जो सात ग्रंथों की रचना की गई, सात जो प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथ है कौन कौन से, ऋतु संहार तथा मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो छात्रों खंड काव्य कौन से, ऋतु संहार और मेघदूत इसमें खंड काव्य है तथा महाकाव्य कौन सा इसके अंदर, कुमार संभव और रघुवंशम इसमें महाकाव्य है। नाटक कौन सा इसके अंदर, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें जो नाटक है। तो इस प्रकार से छात्रों कालिदास जी एक महान विद्वान थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कालिदास जी ने जो अपने जो ग्रंथों का रचना की तथा संस्कृत भाषा के अंदर इन्होंने जो ग्रंथों की रचना की। छात्रों जो कालिदास जी के उपनाम कौन कौन से हैं छात्रों, तो भारत का शेक्सपियर, क्या है छात्रों, भारत का शेक्सपियर। छात्रों भारत का शेक्सपियर ये किसे, अंग्रेजी साहित्य के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान थे शेक्सपियर, उनके समान जो भारतीय संस्कृत साहित्य के अंदर सबसे बड़े विद्वान थे ये कौन थे, कालिदास थे। इसीलिए इन्हें भारत का जो शेक्सपियर कहा गया, किसे कहा गया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। छात्रों जो कालिदास है, कालिदास को कवि कुल गुरु दूसरा जो इनकी उपनामिया उपाधि है, कवि कुल गुरु। तो कवि कुल गुरु ये उपाधि किसने दी, जयदेव नामक विद्वान द्वारा यह उपाधि दी गई। ये उपाधि किसको दी छात्रों, जयदेव नामक विद्वान द्वारा कवि कुल गुरु ये उपाधि दी गई कालिदास जी महाराज को। जो कवि कुल गुरु की उपाधि किसने दी, जयदेव द्वारा दी गई तथा भारत का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो कालिदास को सरस्वती का वरद पुत्र भी कहा जाता है। कालिदास जी को सरस्वती का वरद पुत्र, कवि कुल गुरु तथा भारत का शेक्सपियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो कालिदास जी थे, कालिदास जी महान विद्वान थे और कालिदास जी ने संस्कृत भाषा में जो कई ग्रंथों का निर्माण किया, इनके जो प्रमाणिक ग्रंथ है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या सात है। तो छात्रों जो कालिदास जी ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनके जो उनके दरबार में निवास करने वाले नवरत्न थे, कालिदास, घटकर्पर, वरुचि, वराहमिहिर, शंकु, अमर सिंह तथा इसके अंतर्गत धनवंतरी और वेताल भट्ट जो इनके थे, वेताल भट्ट, शपनाटक। तो इस प्रकार से जो थे छात्रों कौन कौन थे, कालिदास,
वरुचि, वराहमीर, गटकर पर शंकु, अमर सिंह और इसके अंतर्गत सपर्णक अमर, इस प्रकार से छात्रों जो ये कालिदास जी, इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान निवास करते थे, तो छात्रों इन 9 विद्वानों के अंदर से जो सर्वश्रेष्ठ था, इनके जो मुखिया थे तथा सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे वो कौन थे? कालिदास थे। कालिदास जी जो संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे और कालिदास जी द्वारा जो ये 7 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, अब हम छात्रों ये 7 जो प्रमुख ग्रंथ है इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि जो इनके ग्रंथ है कालिदास जी के, तो इनके अंदर किस कथा का उल्लेख किया गया है, किन किन छंदों का, किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कालिदास की जो भारतीय साहित्य के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर जो योगदान रहा है उसके बारे में हमें जो अब इन ग्रंथों के माध्यम से चर्चा करेंगे।